सो हाय, ये स्क्रीन ब्लैक क्यों है? कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? वीडियो चालू है कि नहीं चालू है यार? वाह, हाय गाइस। सो आज मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक फोटोग्राफ एडिट करूँगा, और वो भी मोबाइल के ही ऐप पे। लेट्स सी कैसा करते हैं हम मतलब मैं वही। सो ये फोटोग्राफ मैंने चूज़ किया हुआ है। मोबाइल का थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से देख सकूँ। सो ये फ़ोटो को हम शेयर करेंगे स्नैपसीड से, क्योंकि वही ऐप है जिसमें हम एडिट करने वाले हैं। ओके, तो इसको टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे को अच्छे से वो ऐप दिखे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे ट्यून इमेज से। ट्यून इमेज में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस एक्चुअली ये इमेज थोड़ा अंडर एक्सपोज लग रहा है, सो आई फील ब्राइटनेस बढ़ाना चाहिए। आई फील नहीं, बढ़ाना चाहिए, ये इतना सफिशेंट लग रहा है मेरे हिसाब से। ओके, कंट्रास्ट ऑलरेडी इस इमेज में है, और शेडोज का भी अच्छा है। तो फिर इसी कंट्रास्ट कम करके, अगर आप ब्लैक एंड वाइट कर रख इमेज को करोगे और कंट्रास्ट थोड़ा कम होगा तो चलेगा, बट कलर में इतना अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से, गलत भी हो सकता हूँ। कंट्रास्ट इतना काफ़ी रहेगा, प्लस 36। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं उसको प्लस 36 कर देता हूँ, क्योंकि वो 10th में मेरा रोल नंबर था। सैचुरेशन, इस इमेज को कैसा लुक देना है वो अपने ऊपर है। ब्लैक एंड वाइट में भी इमेज अच्छी लग रही है, और कलर में भी, बट कलर में थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है वो इमेज, तो सैचुरेशन को ज़्यादा बढ़ाते नहीं, प्लस 7 रख देते हैं, फिर इसको बाद में बैलेंस कर देंगे। एम्बियंस, इससे क्या होता है, जो भी है शेडोज वाले पार्ट है वो थोड़े क्लियर आउट हो जाते हैं, शायद से वही मीनिंग है उसका। लेट्स सी एम्बियंस ये फेस पे, और जो भी मतलब डार्क पार्ट हो जाता है, ये देखिए जैसे अपना सब जगह पर रोशनी आ गई ऐसा लग रहा है। एक और लाइट सोर्स ऐड किया, जैसे इसमें एक्चुअली मैंने एक लाइट सोर्स यहाँ पे यूज़ किया था ये, और दूसरा लाइट सोर्स इधर रखा हुआ है इसके इधर, जो इसके ये एल्बो को लाइट दे रही है। एल्बो नहीं तो हाथ को। सो एम्बियंस अराउंड 48 पे रख देते हैं। हाइलाइट्स तो मेरे को यूजुअली बहुत कम पसंद है, मतलब माइनस 100 पे। उसको एक बार फुल करके देखते हैं, एक अजीब सा स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे, सो वो नहीं पसंद है तो जीरो कर दो, आपको पसंद है तो फुल कर दो, आपके ऊपर है। शेडोज, कैसे टाइप का लुक चाहते हो उसके ऊपर है, बट मैं सोच अभी मेरे फ़िलहाल दिमाग में कुछ एक अलग लुक है, सो मैं इसको -9 पे रख दूंगा फिलहाल, और वॉर्म्थ को उधर ही रख दूंगा जहाँ पे वो था, सो उसके साथ तब तक कुछ खेलते नहीं है, प्लस 0 पे ही रख देते हैं उसे। इमेज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए थोड़े से एडिटिंग के बाद, सो अभी फ़िलहाल मैं ब्रश टूल यूज़ करूँगा, और थोड़ी सी लाइट यहाँ पे लाऊँगा। एक्सपोजर लाइक अराउंड +3 काफ़ी हो जाएगा, थोड़ी सी लाइट और थोड़ी ट्राई करते हैं क्या। लाइट के साथ एक ही इशू होता है कि वो बाद में अनरियल लगनी चालू हो जाती है, तो जितना एडिट ज़्यादा करोगे उतना। तो फील के फ़िलहाल इस फोटो के लिए ये काफ़ी है। आपको क्या लग रहा है? ठीक है, फ़िलहाल ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हाँ, एक अच्छी सी लाइट आ गई है फेस पे भी अभी। सो अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए अपने पास। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेंस ब्लर का यूज़ करूँगा, और दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक सर्कुलर में है और एक लाइन वाला है, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं मालूम मुझे, नाम लिखा है यहाँ पे नहीं, गोल है और लाइन है बस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करने में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है, स्ट्रेंथ नहीं लगता, टेक्निक लगती है, मैं भी बहुत बार गलत कर देता हूँ।
थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ये परफेक्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इनको थोड़ा और कम करना है इसे। एक्चुअली मोबाइल को टेढ़ा मेढ़ा करके कर दो, जो आपको सही वे लगे वैसे ठीक है, ये काफ़ी होगा। थोड़ा सा सर के ऊपर, ठीक है परफेक्ट। तो अभी आप जितना ब्लर चाहिए उतना डालो, ब्लर नहीं बोल सकते बट एक जो वहाँ पे अटेंशन नहीं जाना चाहिए पब्लिक का, लोगों का, इसके लिए वैसा रखा हुआ है। विनेडिंग तो ऐसे कुछ काम की नहीं है, विनेडिंग को अपन बाद में ही ऐड कर लेंगे। सो इसे डन कर देते हैं। एक थोड़ा सा हल्का सा कुछ यहाँ पे आ गया, अगर आप नोटिस करोगे तो। ये देखिए ये पहले का इमेज जब हमने स्टार्ट किया था, और ये अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अभी क्या करते हैं, विनेडिंग ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब जो है सब डालते जाओ, ऐसा नहीं है। अगर देखो विनेडिंग किसी का व्हाट्सएप का कॉल, ओ फक, व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत आते हैं, ठीक है। तो विनेडिंग की ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, आपके ऊपर है। अगर आपने दिमाग में कुछ एक पर्टिकुलर लुक उस चीज़ के लिए सोच के रखा है, तो आप वैसे ऐड कर सकते हो उसको। सो ये ठीक लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से इतना भी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो एक अराउंड 40-85, ठीक है। सो इसके से क्या हो गया कि बॉल थोड़ा सा डार्क लगने लग गया है। तो एक आखिरी टच के लिए ब्रश टूल यूज़ करेंगे फिर से एक बार, और एक्सपोजर पे जाएंगे, +3 फ़िलहाल रख के देखते हैं। एक हल्का सा थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये परफेक्ट लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और मेरे ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो नीचे का जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वहाँ पे थोड़ा अगर ब्लैक डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी, उसे ब्लैक डालने के लिए भी ब्रश टूल ही यूज़ करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है। ठीक है ब्रश टूल ही यूज़ करते हैं, और उसको एक्सपोजर में जाके -3 EV पे रख देते हैं, और परफेक्ट -7 पे ट्राई करके देखते हैं। ज़्यादा हो गया ना ये, शिट, मैं बोला था आपको, इसको अंडू कर देते हैं एक और बार, सिर्फ लास्ट में -3 डाल के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं मतलब खुश हो जाते हैं। चलो ये ठीक लग रहा है, या पैर ज़्यादा ही काले लग रहे हैं, नहीं ये ठीक ही लग रहा है, ठीक है। सो हम पहले यहाँ से स्टार्ट किए थे, और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। सो एक कर्व्स करके टैब है, जो आपको अगर ये लुक के बजाय ये लुक है, थोड़ा फॉगी लुक अगर आपको देना है, तो आप मतलब उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर आपको करना है नहीं करना है, पर्सनल चॉइस है। और इधर से अगर थोड़ा नीचे कर दोगे तो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा इमेज, और वाइब्रेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। एकदम थोड़ा सा डाल देते नमक जैसे, ठीक है डन कर देते हल्का सा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अभी इसमें एक टेक्स्ट डाल के हमें ये वीडियो ख़त्म कर देना चाहिए, और एक स्माइली कौन सी यूज़ करूँ, ठीक है। सम स्टाइल्स हैव बीन डिसेबल्ड बिकॉज द करंट टेक्स्ट कंटेन्स कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन दो स्टाइल्स, ओके। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आए तो लाइक करो, और आपको कुछ कोई आपका पर्टिकुलर इमेज हो जो आपको चाहिए एडिट करके मैं दिखाऊं, या ऐसा कुछ हो सकता है ना, अभी यूट्यूब पे कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सेंड करो। गुड नाइट, बाय।